जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। आज हम बनाएंगे टेस्टी पानी पूरी, जिसे कि गुपचुप कहते हैं, गोलगप्पे, ये आप सबकी फेवरेट है पानी पूरी। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कोई भी बाहर जाके नहीं खा पा रहा है, क्योंकि पूरा मार्केट बंद है। इसीलिए आज हम बिल्कुल ठेले वाले जैसे पानी पूरी बनाएंगे, और वो भी बहुत आसान तरीके से घर पर। तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 किलो सूजी ली है, बारीक वाली है, बिल्कुल ज़्यादा मोटी भी नहीं। यदि आपके पास मोटी वाली हो तो थोड़ा मिक्सी में घुमा लेना। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और सबको लगा लेंगे अच्छे से, क्योंकि आपको तो पता है सूजी कितना पानी पीती है। लेकिन इस बार हमें सूजी को बिल्कुल भी पानी नहीं पीने देना है, इसीलिए हम इसमें ऑयल लगा रहे हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको इसी में। और इसमें हम नमक भी डालेंगे स्वाद अनुसार, कमी डालना थोड़ा सा। आटा लगाने के लिए मैंने पानी इतना गर्म करना है, हम उसमें उंगली नहीं डाल सके। और इसे चमचे से हम मिक्स करेंगे और पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे इसे। बहुत कम पानी में आटा लगता है इसका। और अभी हम इसको हाथों से मसल लेंगे। पानी पूरी की पूरिया फूलने के लिए आटे को बहुत अच्छे से मसलना होता है, ताकि हमारी पूरिया अच्छे से फूली फूली पूरिया मिले हमें। 1 किलो रवे को या सूजी को हम सिर्फ 1 ग्लास पानी में, मतलब 250 ग्राम पानी ही लगता है। और अच्छे से मलेंगे अब इसको, मसल मसल के मलना है। देखो इस तरीके से आटा लगाना है हमें, बिल्कुल न कड़क न सॉफ्ट, बड़े आटा लगा है। अभी इसको हम कॉटन के गीले कपड़े से 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, ताकि इसे अच्छे से फूल कर आए हमारा आटा। पानी पूरी का तीखा पानी बनाने के लिए मैंने कुछ हरी मिर्च ली है, जिसे हम पीस लेंगे। और ये फ्रेश वाला धनिया भी लिया है, इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। इसको हमने अच्छे से पीस लिया है अभी। और इसमें आप हरे धनिया के साथ पुदीना भी डाल सकते हो, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हमें पुदीना नहीं मिला है, इसलिए हमने बस धनिया के साथ ही इसे पीसा है, हरी मिर्च के साथ। अब इसको पानी डाल के मैं इसी में, इसे आप छन्नी से छान भी सकते हो, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट पीसा है मैंने, इसीलिए मैं इसको सीधे ही डाल दूंगी। और ये पानी सबको बहुत पसंद है, इसलिए बहुत सारा बनाने वाली हूँ मैं। अब हम नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। ये चाट मसाला है, ये भी हम बहुत ज्यादा पानी है इसलिए 2 चम्मच डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। चटपटा बनाने के लिए हमने हरी मिर्च तो इसमें डाल दिए, लेकिन थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर भी डालेंगे हम इसी में। अभी हम इसमें 1 काला नमक डालेंगे, इसके बिना तो पानी पूरी बिल्कुल अधूरी लगती है। ये बहुत टेस्ट आता है इससे, फ्लेवर भी बहुत बढ़िया होता है। 1.5 चम्मच डाल दिया इसमें, क्योंकि ये 2 लीटर पानी है।
बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम इसमें एक आधा फ्रेश वाला नींबू निचोड़ दूंगी मैं इसमें तीखे पानी में। ये तीखा पानी है, लेकिन इसमें हम 2 चम्मच शुगर भी डाल देंगे। चीनी से ये बैलेंस हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये पानी ये सब मिलाने के बाद, सब मसाले मिक्स करने के बाद आप उसे टेस्ट करके देखना, जो कम ज्यादा लगे तो मसाले घटा देना या बढ़ा देना। यदि ज्यादा हो गए तो पानी बढ़ाओ, मसाले कम हुए तो ऐड करो। बस इसमें हम ऊपर से बूंदी डाल देंगे जब परोसना है तब। अब इसको हम साइड में रखेंगे। और मीठा पानी बनाने के लिए हमने ये इमली भिगो के रखी थी रात को ही, अब इसे हम पीस लेंगे। अभी हम इमली को ये अच्छे से छान लेंगे। इमली का पानी मैंने छान लिया है, देखो कितना बढ़िया बना है हमारा इमली का पानी। अभी हम डालेंगे इसमें मसाले। इसमें भी हम मीठे पानी में शुगर पाउडर डालेंगे। ये 2 लीटर पानी है, इसलिए हम इसमें इमली डाली थी हमने 100 ग्राम, तो हम शुगर भी डालेंगे इसमें 100 ग्राम। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं पानी और ऐड कर देती हूँ। इसमें डालेंगे हम नमक, ये भी हम स्वाद अनुसार, मीठे पानी में भी नमक जाता है तभी वो बहुत स्वाद आता है इससे। और इसी में भी हम काला नमक डालेंगे, ये भी 1 चम्मच डालूंगी मैं। ये थोड़ा कम डालेंगे, तीखे पानी में हमने ज़्यादा यूज़ किया था। जीरा पाउडर, चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच इसमें, और मीठे पानी में हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, इससे तो ये बहुत स्वादिष्ट बनता है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। फिलिंग बनाने के लिए पानी पूरी की, ये काले चने हमने उबाल के लिए, देखो इतने सॉफ्ट बने हैं। और इसे हम थोड़ा सा मस लेंगे, इसमें मिक्स करेंगे। आलू लिए उबले हुए, आलू और चने को हम मैश करेंगे इसमें, ताकि हमारी पानी पूरी की फिलिंग बढ़िया सी बन जाए। आलू में हम नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर डालूंगी मैं इसमें, जीरा पाउडर, चाट मसाला डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दूंगी इसमें, आधे नींबू का जूस भी इसी में डालूंगी मैं। अभी हम सब को हमारे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी में हम ये प्याज भी डालेंगे, आप इसके साथ धनिया भी डाल सकते हो। और ये चना भी हमने मसल कर लिया है, मैश किया अच्छे से, इसे सब को मिक्स करेंगे। और हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अभी बाकी हमारी सिर्फ पूरियां बेलना और फ्राई करना। बस फिलिंग भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसी आटे से हम ऐसी लुइया बनाएंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही, अच्छे से मसल लेंगे फिर से। और इस पर थोड़ा सा रवा छिड़क कर बेलेंगे। बस मोटी सी रोटी बनाएंगे हम दोनों ओर से बेलकर, और फिर कुकी कटर या आप पानी पूरी के शेप का आप क्या करके जिस ढक्कन या किसी भी चीज से आप इसे कट कर सकते हो। इस तरह से बेल लिया हमने, ना ज्यादा मोटी है ना पतली है। और अब हम कुकी कटर से या किसी भी आप पानी पूरी के शेप आ जाए इससे आप कट कर सकते हो। इसी तरह से हम सारी पूरियां
निकाल लेंगे। अभी ढेर सारी पूरियाँ मैंने बेल ली है, अभी ऑयल भी गर्म हो चुका है, इसलिए मेरे भाभी के अब पूरियाँ बेलेंगी और मैं फ्राई करूँगी। देखो कितनी अच्छी सी पूरियाँ हमारी फूली फूली पूरियाँ बनी है। अभी इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। अभी ये बन चुकी है अच्छे से, अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अभी हम लॉकडाउन में गाँव आए तो मिल के खाना बनाते, और आज पानी पूरी बना ली हमने, और वो भी बहुत सारी बनानी, इसलिए मैं और मेरे भाभी दोनों बहुत सारी पूरियाँ बेलेंगे और फ्राई करेंगे, ताकि हम हमारे ठेला लगा सके जैसे कि मार्केट में होता है, और पूरी फैमिली इंजॉय करेगी। देखो कितनी बढ़िया सी पूरियाँ बन रही है हमारी, इसी तरह से आप भी बिल्कुल ट्राई करना, बहुत अच्छी पूरियाँ होती है। फटाफट से देखो कितने बढ़िया कलर आया है इसे। देखो कितनी करारी है, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, आवाज़ सुनो उसकी। इसको आप मसाले में भी डाल सकते हो। अभी हमने बिल्कुल ठेले वाले जैसा पानी पूरी का स्टॉल लगाया है यहाँ पर, और कृष्णा और अदिति का यहाँ पानी पूरी खाने का कंपटीशन चल रहा है, और इनका कंपटीशन बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, पूरियाँ ख़त्म होने के बाद ही ख़त्म होगा। और देखो कितने मज़े से खा रहे हैं बिल्कुल, और कृष्णा बता रहा है कि पानी पूरी बहुत बढ़िया बनी है, और दोनों आदिति बोल रही है कि उसे मीठा पानी ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा दे दो, इस तरह से मैं उनको परोस रही हूँ। कृष्णा और आदिति का कंपटीशन तो ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे मेरे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।